अब आपकी यूनिट 5 यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी वाली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नई यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर 3 चैप्टर आएंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, नेक्स्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल और अगला चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें देखते हैं सेल क्या है। अभी आप पढ़ चुके हैं पहले भी कि क्लास 9th में आपने पढ़ा था सेल के बारे में कि सेल क्या होती है। तो जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें लिविंग बींग और नॉन लिविंग बींग दोनों तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। और आपको कई बार ये देख के आश्चर्य होता होगा और आप अपने आप से पूछते होंगे कि ऐसी कौन सी बात है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होती। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि सेल एक ऐसी चीज़ है, वो उसकी बेसिक यूनिट है जो किसी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बनते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें उनके पूरी की पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनती है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब सेल क्या है, व्हाट इज सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है वो उनका, मतलब वो क्या कर सकते हैं, अकेले अपनी लाइफ जी सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो जिंदा रहने के लिए जो इसेंशियल फंक्शंस हैं लाइफ के, वो उनकी एक ही सेल के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर वो सेल के सारे पार्ट पूरे ना हों तो क्या है, वो इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी सकती। तो क्या हो गया कि सेल हमारी बॉडी की का फंडामेंटल स्ट्रक्चर बनाती है और वो फंडामेंटल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और एक साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था। तो अब आप लोग ये कहेंगे कि मैम आपने 9th क्लास में तो हमें ये बताया था कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। हाँ, अभी भी ये सच है कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन रॉबर्ट हुक ने, आपको याद है कि किस तरीके से सेल को डिस्कवर किया था, उन्होंने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप बना के और एक जो ट्री थी उसके बार्क को उसके नीचे रख के स्टडी किया था। तो उनको क्या दिखाई दिए थे, कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दिए थे जिसको उन्होंने सेल का नाम दे दिया था। तो अब बार्क या कॉर्क क्या होती है, वो डेड सेल्स होती हैं। लेकिन तो रॉबर्ट हुक ने किसकी स्टडी की थी, डेड सेल्स की स्टडी की थी, लेकिन जो ल्यूवेनहॉक थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था और उसको डिस्क्राइब किया था। उसके बहुत बाद में रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने उसके न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। उसके बाद अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप बन गए और इम्प्रूवमेंट हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फील्ड में, तो फिर सेल का जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी पता चल गया। फिर आई सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या थी, 1838 में एक साइंटिस्ट थे मैथियास शेल्डन, ये क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, जर्मनी के रहने वाले एक बॉटनिस्ट थे। तो उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को ऑब्जर्व किया और ये पाया कि जो सभी प्लांट्स हैं वो क्या किससे मिलके बनते हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलके बनते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं जो उसकी बॉडी को बनाते हैं। तो उसी टाइम पर यानी कि 1838 के आसपास ही 1839 में एक साइंटिस्ट हुए ब्रिटेन में जो एक जूलॉजिस्ट थे। तो जूलॉजिस्ट थे तो वो किसकी स्टडी कर रहे थे, एनिमल्स की स्टडी कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने ये पाया कि भाई जो एनिमल्स की बॉडी है वो डिफरेंट टाइप की सेल्स से मिलके बनती है। और जो जब उन्होंने उनकी सेल को स्टडी किया तो उनकी सेल्स के बाहर उनको एक थिन आउटर लेयर दिखाई दी जिसको उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया। तो उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाल लिया कि सभी प्लांट टिश्यूज़ के अंदर जो भी सेल्स होती हैं तो उनके अंदर तो क्या होता है कि प्लांट सेल जो है वो किसकी बनी होती है, एक एक्स्ट्रा वॉल उसके पास प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जिसको सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दो ऑब्जर्वेशंस के बेस पर श्वान ने क्या प्रपोज़ किया, उन्होंने ये प्रपोज़ किया
कि सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, चाहे वो प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी सेल्स से मिलके बनती है या प्रोडक्ट ऑफ सेल्स से मिलके बनती है। तो शेल्डन और स्वान इन दोनों ने मिलके सेल थ्योरी दी। अब ये जो सेल थ्योरी थी ये क्या एक्सप्लेन नहीं करती थी, ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती थी कि नई सेल्स किस तरीके से बनती हैं। फिर आए रुडोल्फ विर्चौ, 1855 में एक साइंटिस्ट हुए रुडोल्फ विर्चौ, जिन्होंने सबसे पहले ये चीज़ एक्सप्लेन की कि जो सेल्स हैं वो डिवाइड हो सकती हैं और नई सेल्स तभी बन सकती हैं जब पहले से ही सेल प्रेजेंट हो। तो फिर जो शेल्डन स्वान की थ्योरी थी सेल थ्योरी, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस कर दी गई और फिर एक कंप्लीट सेल थ्योरी जो बन के सामने आई, उसके टू पॉइंट्स हुए। क्या कि पहला पॉइंट तो ये था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलके बनते हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनते हैं, और जो सभी सेल्स हैं वो क्या है, सेकेंड पॉइंट हो गया इसका ये कि सभी सेल्स जो हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलके बनती हैं। अब हम देखते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल, मतलब सेल के बारे में अभी हम पिछले क्लासेस में क्या पढ़ चुके हैं। तो जब हमने 9th क्लास में स्टडी की थी तो हमने ओनियन पील की स्लाइड बनाई और ह्यूमन चीक की सेल्स को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। तो फिर उसके स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान करें तो ओनियन सेल जो है वो एक टिपिकल प्लांट सेल होती है, और प्लांट सेल की क्या क्वालिटी होती है, क्या करेक्टरिस्टिक होती है कि उसकी आउटर बाउंड्री क्या होती है, सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के जस्ट अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे आप ऐसे देख सकते हैं कि ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, तो इसके बाहर भी क्या है, एक बाउंड्री प्रेजेंट है जिसको क्या बोला गया, सेल वॉल। तो ये सभी के किसके अंदर प्रेजेंट थी, जो प्लांट सेल थे उनके अंदर प्रेजेंट थी, और ये अंदर वाली बाउंड्री जो है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ह्यूमन चीक सेल को जब हम देखते हैं तो उसमें सिर्फ हमें क्या दिखाई देता है कि आउटर बाउंड्री दिखाई देती है जिसका नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब एनिमल सेल के पास सिर्फ क्या पाई जाती है आउटर बाउंड्री के रूप में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल, ये दोनों चीज़ मिलके पाई जाती हैं। अब इन चीज़ों के अलावा सेल के अंदर क्या पाया जाता है, एक डार्क कलर का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम न्यूक्लियस का डायग्राम देखें तो ये न्यूक्लियस है मान लो, तो इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, इस तरीके से, इस तरह के स्ट्रक्चर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम किससे मिलके बनते हैं, ये डीएनए से मिलके बनते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब सेल के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी उनकी दो तरह को उनको कैटेगराइज कर दिया गया, ऐसी सेल्स जिनके पास क्या मेम्ब्रेन बाउंड, जिसका न्यूक्लियस कैसा था, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था, तो इस तरह के सेल्स को तो क्या बोल दिया गया, यूकैरियोटिक सेल, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस था। और जिनके पास इस तरह का, जैसे ये सेल है तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस क्या पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही कंडेंस्ड फॉर्म में पाया जाता है, तो इस तरह की सेल्स को क्या बोला गया, प्रोकैरियोटिक सेल बोला गया, ठीक है। तो अब इसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या फ़र्क होता है, कि जैसे यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर उनके डिफरेंट ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्लस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी ना तो उसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड होगा, ठीक है, उसका जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही पाया जाएगा, और ना उसके पास कोई भी क्या मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। लेकिन दोनों ही तरह के सेल्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, जैसे ये सेल है, चाहे ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, तो इसके अंदर पूरा क्या भरा रहता है, लिक्विड मटेरियल, फ्लूइड भरा रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट टाइप के केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो उस सेल को लिविंग स्टेट में रखते हैं, ठीक है। अब जो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स, और वो बहुत सारी होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया,
वैक्यूल, ये इस तरह के स्ट्रक्चर, या लाइसोसोम्स, इस तरह के स्ट्रक्चर इसके पास पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि दोनों में, दोनों सेल्स में और क्या डिफरेंस होता है। तो अब देखो कि ये तो थे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स की बात, लेकिन सेल्स के पास नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी कुछ ऑर्गेनिल्स पाए जाते हैं। जैसे क्या होते हैं, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल, यानी कि कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, और ये दोनों तरह की सेल्स, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, और कहाँ पर पाए जाते हैं, ना सिर्फ ये सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री फॉर्म में पाए जाएंगे, बल्कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी उसके ऊपर भी ये क्या पाए जाते हैं, उसके ऊपर भी पाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ये किस में प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम ना सिर्फ साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, बल्कि दो तरह के सेल ऑर्गेनिल्स और हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो सिर्फ प्लांट्स में होगा, उसके अंदर भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होगा। और कहाँ पर प्रेजेंट होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और अब एक और दूसरा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सेंट्रियोल, लेकिन यह सेंट्रियोल किसमें पाया जाता है, सिर्फ एनिमल सेल्स के अंदर यह पाया जाता है। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर यह नहीं होता, और इसका काम क्या है, सेल डिवीजन में यह हेल्प करता है। तो सेल्स की जो शेप और साइज है वो, या उनकी एक्टिविटीज हैं वो वेरी करती हैं बहुत, उनके अंदर क्या पाया जाता है, अलग अलग तरह की एक्टिविटी, शेप एंड साइज होगा। एग्जांपल के लिए जैसे माइकोप्लाज्मा है तो वो सबसे छोटे साइज की सेल होती है, जिसकी लेंथ सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर होती है, जबकि जो बैक्टीरिया हैं वो 3 से 5 माइक्रोमीटर के भी हो सकते हैं। कितनी हो सकती है, 3 to 5 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ हो सकती है। और ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो उनकी जो RBCs हैं वो कितनी होती हैं, 7 माइक्रोमीटर तक की उनकी लेंथ हो सकती है। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स हैं वो सबसे लंबी सेल्स मानी जाती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर भी डिफरेंट शेप और साइज़ की सेल्स पाई जाती हैं। ये शेप डिस्क शेप की भी हो सकती है, पॉलीगोनल भी हो सकती है, कॉलमनर भी हो सकती है, क्यूबॉइडल भी हो सकती है, थ्रेड लाइक भी हो सकती है, या उसकी इररेगुलर शेप भी हो सकती है। तो सेल्स की जो शेप है वो वेरी करेगी उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जो भी फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही कराएंगे।